एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज वर्षा और मैं अपने चैनल पर DIYs एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस आपसे शेयर करती हूँ। थंबनेल देखकर तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके साथ बेस्ट पिलो कवर रियूज आइडिया शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कितनी बार होता है कि हम अपने बेडशीट को यूज कर करके तो पुरानी कर देते हैं पर उसके पिलो कवर न्यू ही रह जाते हैं और उन्हें हम दूसरी बेडशीट के साथ यूज भी नहीं कर पाते क्योंकि वो मैच नहीं करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ढेर सारे पिलो कवर इकट्ठा हो जाते हैं। तो आज मैं आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि आप अपने घर में रखे हुए वेस्ट पिलो कवर को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो बातें होती ही रहेंगी, चलिए अब बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आजकल जब हम साड़ी मार्केट से परचेज करते हैं तो हमें इस तरह की एक बैग मिल जाती है जिसके अंदर साड़ी हम आसानी से कवर्ड में स्टोर कर सकते हैं, पर कई बार हमें इस तरह की बैग नहीं मिलती। तो उसके लिए हम घर पर DIY करके ही एक बैग रेडी कर लेंगे। तो DIY करने के लिए मैं अपने पुराने पिलो कवर को ले रही हूँ। इससे हमारी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक तो ये कि हमारा वेस्ट पड़ा हुआ पिलो कवर रियूज होगा और साथ ही हम अपने कबर्ड में साड़ी को डस्ट फ्री रख सकेंगे। तो है ना ये काफी आसान और कमाल का DIY। तो आप भी अपने घर में पुराने पड़े हुए पिलो कवर से साड़ी रखने की आसानी से बैग बना सकते हैं, वो भी बिना सिलाई मशीन के। हम सब अपने घर में चेयर्स या सोफा के बगल में छोटी सी टेबल को साइड टेबल के रूप में यूज करते हैं, पर वो सिंपल ऐसे देखने में अच्छी नहीं लगती है। अगर आपके घर पे अचानक से कोई गेस्ट आ जाए और आपके पास कोई भी टेबल क्लॉथ ना हो तो आप अपने घर में पड़ा हुआ कोई भी प्रिंटेड अच्छा सा पिलो कवर लें और इसके ऊपर इस तरह से डाल दें और इसके साथ इसे थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दें ताकि ये हमारा साइड टेबल देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने एक DIY ट्रे, एक वास और एक और DIY यहाँ पर रख दिया है। तो अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। देखिए हमारी बोरिंग सी दिखने वाली टेबल अब कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आप भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाकर और वेस्ट चीजों को यूज करके अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। कई बार हम अपने सोफा और चेयर के रखे हुए कुशन को देख देख कर बोर हो जाते हैं। हम अपने सोफा या चेयर का लुक चेंज तो करना चाहते हैं पर उसके लिए हम मार्केट से कुछ नए कुशन कवर लाकर इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते। तो ये DIY हैक आपके काफी काम आने वाला है। तो इसके लिए सिंपल से आपको अपने कबर्ड में से कोई भी प्रिंटेड पिलो कवर निकालना है और उसमें कुशन को डालकर इस तरह से सेट कर देना है। आप चाहे तो इसे पीछे की साइड पर बटन या कोई रिबन लगाकर टाई भी कर सकते हैं, या फिर आप सिलाई नहीं करना चाहते। अगर आप सिलाई मशीन नहीं यूज करना चाहते हैं तो सिंपल सी एक ट्रिक के साथ भी आप इसे यूज कर सकते हैं। हमें इस तरह से पिलो कवर को अंदर की साइड ही फोल्ड करके इंसर्ट कर देना है तो हमारा DIY कुशन कवर हो जाता है रेडी। अब इसे आप अपने सोफा या चेयर पे लगा के लुक को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने DIY कुशन कवर का फाइनल लुक। मैंने इसे सिंपली अपने चेयर पे रखा है, आप इसे सोफा या बेड पर भी रख सकते हैं। अपना नेक्स्ट DIY हम इस चेयर पे करेंगे। मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ और गवर्नमेंट क्वार्टर में इस तरह की चेयर्स हम सबको मिले ही रहती है। अब इस चेयर के बोरिंग से लुक को देख देख कर मैं बोर हो चुकी थी। अब बारी आती है इस लुक को चेंज करने की। तो यहाँ पर मैंने सेम प्रिंट के दो पिलो कवर लिए हैं। एक को मैं ऊपर की साइड इस तरह से रखने के बाद सुई धागे से अटैच कर दूंगी ताकि अपनी जगह से हिले डुले नहीं। इस चेयर का जो सिटिंग एरिया है वहां पर हमने जो DIY करके कुशन कवर बनाया था कुशन के अंदर लगा के उसे एज ए गद्दी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए अब हमारी बोरिंग से दिखने वाली चेयर काफी अच्छी लगने लगी है। तो ये भी था काफी आसान और कमाल का DIY, आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट DIY के लिए मैं इस तरह के पुराने कुशन कवर को यूज करने वाली हूँ।
तो चलिए अब इसका यूज हम कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। हम सभी अपने किचन काउंटर टॉप को क्लीन रखना चाहते हैं, यानी कि खाली। पर कुछ चीजें होती हैं जिसे हम हटा नहीं सकते, जैसे कि मिक्सी। मिक्सी का यूज हम दिन में एक दो बार कर ही लेते हैं। इसे कितनी बार हम कबर्ड में रखें और निकालें, तो उसके लिए भी मैंने एक सॉल्यूशन निकाल लिया है कि इसे हम बाहर भी रखें, ये डस्ट फ्री भी रहे और देखने में थोड़ी सुंदर भी दिखे। तो उसके लिए मैंने एक पुराना प्रिंटेड कुशन कवर लिया है, जिसे मैंने सिंपली इस मिक्सी को पहना दिया है। आप चाहें तो सिंपली इसे इस तरह भी एक कोने में रख सकते हैं, या फिर इसे थोड़ा और डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे डेकोरेट करने के लिए आप कोई भी छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट इसके ऊपर रख दीजिए। मैं तो आपको एक बार रियल प्लांटर ही रखकर शो कर रही हूँ, पर आप रियल प्लांटर मत रखिएगा, क्योंकि जब आप उसमें पानी डालेंगे तो वो पानी रिसकर मिक्सी के अंदर जा सकता है और आपकी मिक्सी खराब भी हो सकती है। आप यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल प्लांट ही ऐड कीजिएगा, या फिर इसे सुंदर बनाने का दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास एक वुडन पीस था जिसे मैंने कलर कर रखा है, उसे मैंने मिक्सी के ऊपर रख दिया है और छोटे से बुद्धा को यहाँ पर रख दिया है। तो इसे मैं रख कर भी आपको शो कर दे रही हूँ। मैंने इसे काउंटर टॉप पर बिल्कुल साइड में रख दिया है। अब ये देखने में भी काफी अच्छी लग रही है। नेक्स्ट DIY करेंगे हम अपने पानी के जार। ये भी मैंने अपने किचन काउंटर टॉप पर रख रखा है। अब इस तरह से देख देख कर मैं इसे बोर हो चुकी हूँ और ये देखने में ज्यादा सुंदर भी नहीं लगता है। तो अब क्या करूँ इसका, क्योंकि इसे मैं अपने काउंटर टॉप से हटा भी नहीं सकती। इसीलिए मैंने इसे कवर करने के लिए अपना एक पुराना पिलो कवर ले लिया है। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर इस तरह का एक ढक्कन लगा दिया है ताकि ये इधर उधर ना हो, और सिंपली इसे मैंने एक पिलो कवर से कवर कर दिया है। तो अब हमारा बोरिंग सा दिखने वाला वाटर जार बहुत ही सुंदर दिखने लगा है, क्योंकि मैंने इस पर एक फ्लावर प्रिंट का पिलो कवर लगा दिया है। अब इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए कोई भी रियल प्लांट आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इनका फाइनल लुक। मैंने आगे की साइड पर अपना वाटर जार रखा है और बैक साइड में मिक्सी को रख दिया है, तो इससे अब हमारा किचन काउंटर टॉप काफी क्लीन लग रहा है। लास्ट DIY हम करेंगे इस तरह के वाटर जार के ऊपर। अब पहले का जमाना तो रहा नहीं कि हम डायरेक्ट टैप से निकाला हुआ पानी पी लें। हम सबको वाटर मार्केट से लेना पड़ता है या फिर हमें घर पर प्योरीफायर लगाना पड़ता है। अब वाटर बॉटल को इस तरह से रखने पर वो अच्छी नहीं लगती हैं। अब इस तरह की वाटर की बॉटल घर के किसी भी कोने में रखी हो या किचन के किसी कोने में, वो देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो इसे कवर करने के लिए आप अपना कोई भी प्रिंटेड पिलो कवर ले सकते हैं, और इस दोनों वाटर बॉटल या आपके पास एक भी वाटर बॉटल हो तो आप उसे कवर कर किचन के किसी भी कोने में रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, मैं इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करूंगी। तो यहाँ पर सिंपली मैंने इस तरह का एक वुडन प्लैंक लिया है जिसे मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए मैं दो छोटे छोटे से रियल प्लांट ले रही हूँ और इस तरह से ऐड कर दे रही हूँ, और बीच में मैंने सेम वही वुडन पीस लिया है और उसके ऊपर छोटे से बुद्धा को रख कर इसे डेकोरेट कर दिया है। आई होप आप सभी को आज के आइडियाज पसंद आए हों। अगर आप सभी को आज के आइडियाज से हेल्प मिले तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।